मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस अबाउट डेमोग्राफी। डेमोग्राफी क्या होती है? जो अपन आज डेमोग्राफी के बारे में देखेंगे, डेमोग्राफी क्या होती है। जैसे डेमोग्राफी मीन्स होता है डेमो मतलब पीपल और ग्राफी मतलब द स्टडी ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन। इसका देखते हैं कि स्टडी ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर अपन इसके साइज ऑफ पॉपुलेशन है, इसके कंपोजिस्ट ऑफ द क्या क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या है, ये आज अपन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंट्रोडक्शन, डेमोग्राफी द जनरल साइंस ऑफ स्टडी ह्यूमन पॉपुलेशन। इसमें जो जनरल साइंस में के अंदर जो ह्यूमन पॉपुलेशन का इसमें इस साइंस के अंदर मतलब स्टडी की जाती है डेमोग्राफी के अंदर। इट इज़ द स्टैटिक्स ऑफ द पॉपुलेशन डेट इज सब्जेक्टेड टू चेंज इन अकॉर्डिंग विद एजिंग, बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। इसको अपन मतलब स्टैटिकली देखेंगे, जो पॉपुलेशन है उसके अंदर पेशेंट के एजिंग है, जैसे बर्थ है और डेथ, और जो माइग्रेशन मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट, उसका अपन स्टैटिकली इसको अपन देखेंगे। द डेमोग्राफी एनी प्लेस हेल्प टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन, रीजन, लैंग्वेज, एथिसिटी ऑफ द प्लेस। मतलब जो पेशेंट एक प्लेस से हेल्प उसकी इन्फॉर्मेशन देखेंगे, वो पॉपुलेशन कहाँ से हो रहा है, रिलीजन क्या है, उसमें लैंग्वेज क्या है, ये अपन उसको देखेंगे। डेमोग्राफी कैन बी अंडरस्टैंड थ्रू द सेंसस ऑफ द 2011 के अकॉर्डिंग। अपन जो देखते हैं जो पास्ट इंडिपेंडेंस ऑफ एंड अदर जो 15 टोटल सेंस है, उसमें जो ईयर जो 1980 के अंदर तो सेंसस के अंदर ही अपने को जो इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था उसके बारे में अपने को इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के अंदर द वर्ड पॉपुलेशन मतलब एक्सप्लोर कितनी हो रही है, पॉपुलेशन में क्या आ रहा है। द वर्ड एक्सपीरियंस ड्रामेटिक पॉपुलेशन ग्रो ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी। द नंबर ऑफ द इनहिबिशन डबलिंग फ्रॉम द 3 to 6 billion मतलब 2 per annum बिटवीन 1960 एंड द जो पॉपुलेशन है वो जो नंबर जो इंक्रीज़ हो रहा है, जिसमें 1960 से लेके 2000 के अंदर जो डबलिंग है, जो सिक्स मतलब जो ग्रोथ है वो बढ़ रहा है पॉपुलेशन का, डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है 1950 में। अपने इंडिया के अपन पॉपुलेशन के बारे में डिस्कस करें। नेक्स्ट अपन देखते हैं जो इंडियन रुपीज़ है, इंडियन रुपीज़ सेकेंड रैंक अमंग द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। मतलब जो सेकंड रैंक तक अपन मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री में पहुँचे हैं। विद इन द करंट पॉपुलेशन मोर देन द 1.21 billion पीपल, जिसमें मेल है 51% है और फीमेल है 48% है। नेक्स्ट अपन देखते हैं जो इंडियन के अंदर जो रैपिड पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है, जिसे 448 million इन द 1960, और अब अपने देखते हैं कि 1.2 billion तक अपन क्रॉस कर चुके हैं। जो इंडियन आबादी वो 133 करोड़ हो चुकी है। इंडिया जो पॉपुलेटेड कंट्री है, ग्रोथ रेट है इसमें 1.4 पर ईयर जो ग्रोथ रेट है वो 17.641 मतलब 2001 से लेकर 2011 तक, जिसमें मेल का रेशो था 17.90% है, फीमेल थी 18 point। जो डे बाय डे अपने ग्रोथ इंक्रीज़ हो रही है, जैसे इस डायग्राम में डिफरेंट स्टेट के बारे में बताया गया है कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है, उत्तर प्रदेश के अंदर है जो 16% है, और महाराष्ट्र के अंदर 9% है, बिहार में 9% है, वेस्ट बंगाल में 8% है, आंध्र प्रदेश के अंदर 7% है, मध्य प्रदेश में 6%, जैसे तमिलनाडु बताया हुआ है, राजस्थान है, कर्नाटका है, गुजरात है, उड़ीसा है, केरला है, झारखंड, आसाम, पंजाब। इसके अंदर अपने को इस मदर अदर स्टेट के बारे में बताया गया है कि जो पॉपुलेशन है वो डिफरेंट साइज में। नेक्स्ट अपन देखते हैं 5 highest पॉपुलेशन स्टेट इंडिया, मतलब कौन से स्टेट है जिसमें हाईएस्ट पॉपुलेशन है। जो 2011 में सेंसस में बताया गया, उत्तर प्रदेश है द टॉप पॉपुलेशन विद 19,681,477 जिसमें 16.49% पीपल मतलब हाईएस्ट पॉपुलेशन का है। नेक्स्ट देन अपन देखते हैं जो महाराष्ट्र है वो सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन है, जिसमें 9.29% पीपल है। थर्ड अपन देखते हैं बिहार है, जिसमें थर्ड हाईएस्ट पॉपुलेशन स्टेट है इंडिया का, जिसमें 8.58% पॉपुलेशन है। फर्स्ट अपन देखा उत्तर प्रदेश, देन अपन ने देखा महाराष्ट्र, थर्ड अपन ने देखा बिहार। जो वेस्ट बंगाल है वो स्टैंड फोर्थ पे करता है, जिसमें 7.55% पॉपुलेशन है। जो आंध्र प्रदेश है वो फिफ्थ नंबर पे है, जिसकी पॉपुलेशन है वो 7.7% है। ये जो फाइव
लीस्ट पॉपुलेशन स्टेट है 2011 जो सेंसिस के अकॉर्डिंग बताया कि जैसे सिक्किम है जिसमें लोअर पॉपुलेशन स्टेट, इसके अंदर जो परसेंटेज है वो 0.05% है। जैसे सेकंड जो लोवेस्ट है वो मिजोरम है जिसमें जो पॉपुलेशन का रेशो है 0.09% है। अरुणाचल प्रदेश है जो पॉपुलेशन है जिसमें रैंक जो थर्ड लोवेस्ट है, हाईएस्ट अपन ने डिस्कस किया, देन अपन लोअर देखें जैसे सिक्किम हो गया, मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, गोवा हो गया जो फोर्थ रैंक है जिसमें 0.4% पीपल है। फिर अपन देखते हैं नेदरलैंड है जिसमें फिफ्थ लोवेस्ट स्टेट है जो इंडिया के अंदर जिसमें 0.6% लोग हैं जो लीस्ट पॉपुलेशन है। देन अपन देखते हैं यूनियन जो टेरिटरीज है जिसमें न्यू दिल्ली हो गया अपने द हाइस्ट पॉपुलेशन यूनियन टेरिटरी है, द पॉपुलेशन इज जैसे लक्षद्वीप हो गया जिसमें लोवेस्ट यूनियन टेरिटरी पॉपुलेशन है जिसमें 64,429 पीपल है जो जिसमें डेंसिटी कम है, जिसमें पॉपुलेशन एज पर स्क्वायर है जो एवरेज डेंसिटी है जो इंडिया के अंदर वो 3.82 पर स्क्वायर किलोमीटर है। नेक्स्ट अपन डिस्कस जैसे इंडिया की ये पॉपुलेशन डेंसिटी अपन ने डिस्कस करी जैसे डायग्राम में दिखाए गए अपने को। देन अपन देखते हैं 83.3 करोड़ लाइव्स इन रूरल एरिया वाइल 37.6 करोड़ स्टे इन अर्बन एरिया, मतलब जो रूरल एरिया है उसके अंदर 83 जो रूरल में रह रहे हैं लाइव और जो 37.2 करोड़ स्टे कर रहे हैं अर्बन के अंदर, जो 68% है 68.84% पॉपुलेशन है जो रूरल में लाइव कर रही है और जो अर्बन में है वो 31% है कंट्री पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। फर्स्ट टाइम अपन ने देखा इंडिपेंडेंट जो ओवरऑल जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन की वो रूरल एरिया है शार्पली डिक्लाइन हो रहा है, लोग शहर की तरफ जा रहे हैं रोज़गार के लिए, जो रूरल एरिया है वहाँ पे मतलब लोग कम रह रहे हैं, प्रीफर कर रहे हैं शहर की तरफ। द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन है इंक्रीज है इसमें जिसमें 27.8% जो 2001 सेंसस के अकॉर्डिंग एंड जो 2011 के अंदर 31.16% है जो प्रोपोर्शनल हो रहा है, रूरल डिक्लाइन हो रहा है जैसे 72.8% अपन इसमें डाटा स्टैटिक्स द्वारा देख रहे हैं। जो 18.62 है कंट्री रूरल पॉपुलेशन लाइव इन जो उत्तर प्रदेश में है, जो अर्बन के अंदर महाराष्ट्र में वो 13.20 जो लिटरेसी रेट है, लिटरेसी इज द इंडिया की सोशो इकोनॉमिक प्रोसेस, जो इंडिया है वो एफिशिएंस लिटरेसी रेट है रिकॉर्डिंग 99.2% है, राइज जो रीच कर रहा है 74 मतलब रिसेंटली अपन ने देखा परसेंटेज 2011 जो लिटरेसी रेट इम्प्रूव हुआ है फीमेल कंपेयर टू मेल, मेल इज़ 82.4 राइज टू 6.9 एंड फीमेल इज़ द राइज 11.9, जो फीमेल को प्रायोरिटी ज़्यादा दी जा रही है वो अपने हुनर को आगे दिखा रही है और इम्प्रूव कर रही है। केरला इज़ द मोस्ट लिटरेट रेट इन इंडिया, जो केरला है उसमें हाईएस्ट लिटरेसी मेल के अंदर है और जो उससे कम है वो क्लोजली वो है लक्षद्वीप के अंदर जो 92.28 है। बिहार इज़ द लीस्ट लिटरेट स्टेट इंडिया इज द 63.82% एंड फॉर्म अरुणाचल प्रदेश 66.95%। हरियाणा है जो लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी रेट है। देन अपन देखते हैं इंडिया के मैप द्वारा अपन 2011 के अकॉर्डिंग जिसमें अपने को बताया गया है। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्यूबा, क्यूबा हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट 99.9 फॉलो बाई द एस्टे एंड द 99.8 रिस्पेक्टली। इंडिया इज द 137 पोजिशन अमंग द वर्ल्ड इन लिटरेसी रेट 70%, ओनली 63 ऑफ द एज ग्रुप जो 6 to 24 स्टडी ऑफ द इंडिया 170 million पोटेंशियल स्टूडेंट लंच करता है, जो वर्ल्ड है एवरेज लिटरेसी रेट 84% है, जो इंडिया इज द हाइस्ट लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ एनी नेशन ऑफ द अर्थ, द राइट एजुकेशन फंडामेंटल राइट एंड यूनेस्को एम टू एजुकेट टू ऑल 2015 तक, मतलब एक एजुकेशन के लिए यूनेस्को और एम है कि जो अपन हाइस्ट एजुकेशन है वो 2050 तक अचीव करेंगे। रीज़न फॉर द लो लिटरेसी रेट, किन कारण की वजह से जो रीज़न है वो लो है, द एबसेंस ऑफ एडिक्यूएट स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनसफिशियंट टीचिंग स्टाफ इज़ वन ऑफ द मेन फैक्टर, जो मतलब एडिक्यूएट नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे, मतलब फर्नीचर की व्यवस्था और नहीं है,
या कोई भवन वन नहीं बना हुआ, इनसफिशियंट टीचिंग है, जिसमें स्टाफ है वो प्रॉपर नहीं है, नो प्रॉपर सैनिटाइजेशन इन मोस्ट स्कूल, स्कूल के अंदर सैनिटाइजेशन की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। द स्टडी ऑफ द 188 गवर्नमेंट रन प्राइमरी स्कूल, जो 188 गवर्नमेंट है जो रन प्राइवेट स्कूल इन द सेंटर एंड द नॉर्थन इंडिया, रिलेटिवली 65 स्कूल इज द नो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, मतलब जो स्कूल है उसमें कंपेयर द मतलब जो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी नहीं है, टॉयलेट फैसिलिटी नहीं है फीमेल के लिए, तो रेशो कम है। द एवरेज टीचर रेशो ऑल इंडिया 1:45 टीचर शॉर्टेज, मतलब 42 स्टूडेंट पे वन टीचर है जो रेशो नहीं हो पा रहा। फदर मोर द एक्सपेंडिचर अलॉटेड एजुकेशन वाज द नेवर अबव 4.3 ऑफ द जीडीपी, जो अपन एजुकेशन के ऊपर जो 4.3 जीडीपी मतलब इससे ज़्यादा करना चाहिए वो नहीं कर रहा। डिस्क्रिमिनेशन है लोअर कास्ट का, रिजल्टिंग हाई ड्रॉपलेट रेट ऑफ द लो एनवायरमेंटल रेट। एब्सोल्युटली जो पॉवर्टी इंडिया के अंदर, जो अमीर है तो अमीर होता है, गरीब है उसको एजुकेशन नहीं मिल रहा, इस वजह से लार्ज पॉल्यूशन रिलेटेड फीमेल है जो लो लिटरेसी रेट के अंदर इंडिया में आते हैं, इनएडिक्वेट बेस, जेंडर डिफरेंस है, फीमेल लिटरेसी रेट बिगन लोअर है। रिलीजन, रिलीजन मीन्स होता है जो हाउस वर्ल्ड जो थर्ड बिगेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है, जैसे अपन ने इस डायग्राम में देख रहे हैं हिंदुस्तान में जो ब्रेक ऑफ रिलीजन है 80% है, इस्लामिक है जो 3.8% है, क्रिश्चियन 2.8% है, बुद्ध है, जैन है एंड अदर है, सिद्धार्थ है 1.9% है। मेजोरिटी ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन लक्षद्वीप एंड जम्मू कश्मीर, जो मुस्लिम पॉपुलेशन जो लक्षद्वीप एंड जम्मू कश्मीर में ज़्यादा है, मेजोरिटी ऑफ द क्रिश्चियन पॉपुलेशन मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में क्रिश्चियन पॉपुलेशन की मेजोरिटी ज़्यादा है। मेजोरिटी ऑफ द सिख पॉपुलेशन पंजाब में सिख पॉपुलेशन ज़्यादा, द शेयर ऑफ द हिंदू पॉपुलेशन द 80%। नेक्स्ट अपन देखते हैं द परसेंटेज ऑफ हिंदू पॉपुलेशन हैज़ बीन डिक्रीज ट्रेंड सिंस 1961 से लेकर 2011 तक, फॉल बिलो द 80%। फिर इसमें जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो इंक्रीज ट्रेंड है, मेन रीज़न द हिंदू मुस्लिम फर्टिलिटी और डेफिनेटल, द गैप ऑफ द हाइकिंग क्लोज फर्टिलिटी लेवल अमंग मुस्लिम डिक्लाइन विद इंक्रीज लेवल ऑफ एजुकेशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, देर इज अ फास्टर इंक्रीज फैमिली प्लानिंग अमंग मुस्लिम्स। इम्पैक्ट ऑफ रिलीजन, रिलीजन इज अ मेजर कल्चर इन्फ्लुएंस, आल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिकल पार्टी वो सपोर्ट करती है डिपेंड अपॉन रीजन के अकॉर्डिंग, रिलीजन जो हिंदू है, इस्लामिक है या पॉलिटिशियन है, जो पॉलिटिकल पार्टी आइडेंटिफाई करते रिलीजन अदर सपोर्टर्स करते हैं, जो मेनी नेशन रिलीजन्स है वो की पॉइंट है जो अपने इलेक्शन के लिए, जो कास्ट है उसमें बाउंड्री और हिंदू इस्लामिक पीपल है, और जो हिंदू है मेन कास्ट अंडरस्टैंड, जो सब कास्ट है में पॉलिटिकल है जिसमें कास्ट द्वारा डिस्क्राइब किया गया है। फीमेल सेक्स रेशो, फीमेल सेक्स रेशो इन 2012 के अकॉर्डिंग 1000 मेल के ऊपर 1940 फीमेल है, जो इंडिया फीमेल सेक्स रेशो है उसमें टाइमली डिपेंड इन द ग्रेटर डिक्लाइन और रेगुलरली, जो सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग इम्प्रूव इन द लास्ट 10 ईयर, मतलब इट हैज़ गोन, मतलब 2001 के अकॉर्डिंग 93 सेक्स रेशो था 1000 मेल के अंदर, और 11 के अंदर डिक्लाइन होता जा रहा है, ये 2011 के अंदर थोड़ा इम्प्रूव हुआ है जिसमें 90-40 हो गई है। जो रूरल फीमेल सेक्स रेशो है वो 1000 मेल के ऊपर 947 और अर्बन के अंदर जो सेक्स रेशो है 1000 मेल के ऊपर 926 है। द फीमेल सेक्स रेशो चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 6 वॉज द 914 गर्ल्स अगेंस्ट 1100 बॉयज, रोज द 9 जिसमें रेशो है बॉयज़ एंड गर्ल्स का, जो इंडियन मुस्लिम है वो 50% क्लोजली फीमेल सेक्स रेशो को नियरली, मतलब सिख पीपल लार्ज जो कास्ट है उनको इंड्यूस करना, जिसमें पर्टिकुलरली हिंदूज, जो इसमें पर्टिकुलर जो फीमेल सेक्स रेशो हिंदू के अंदर वो 4:6 करना, जैसे अपने 100 के ऊपर 9:31 है, जो क्रिश्चियन अकॉर्डिंग
वो डिक्टेट मोर 2% ऑफ द पॉपुलेशन है, जिसमें में सेक्स रेशियो अंडर 1009 के अंदर है। इसमें केरला एंड पौंडीचेरी आर द आर ओनली टू प्लेसेस इन इंडिया टोटल फीमेल पॉपुलेशन मोर देन द मेल पॉपुलेशन, वहाँ पे फीमेल ज़्यादा है मेल के अकॉर्डिंग। द स्टेट ऑफ द साउथ इंडिया इज द बेस्ट सेक्स रेशो, फीमेल इज द 1000 मेल, केरला विद द 100 मेल के ऊपर 184 फीमेल सेक्स रेशो। अदर जो स्टेट है जैसे लाइक आंध्र प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका आर आल्सो शोइंग इंक्रीज इन फीमेल सेक्स रेशो। हरियाणा है जो लोवेस्ट सेक्स रेशो है, जैसे 100 मेल के ऊपर उस पर 877 है। अमंग पीपल अमंग यूनियन टेरिटरीज दमन एंड दीव एंड द लोवेस्ट फीमेल सेक्स रेटो, वाइल पांडिचेरी इज द हाइस्ट सेक्स रेशो। जो अपने यूनियन टेरिटरीज है जिसमें दमन दीव है, उसमें फीमेल का जो रेशो है वो कम है अकॉर्डिंग टू पांडिचेरी। देर इज अ सम एक्सटेंट ऑफ जनरल बायास इन इंडिया विच इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन फीमेल रेशो, इज स्टार्टेड टू इम्प्रूव द लास्ट 20 ईयर्स। मतलब अपने जो सेक्स रेशो है उसको इम्प्रूव करना चाहिए लास्ट 20 ईयर्स। सो स्टार्टेड लैक द एजुकेशन एंड पॉवर्टी इन रूरल एरिया लीड टू जेंडर बेसिस। मतलब अपन कहते हैं अगर मेल है तो उसको प्रीफर ज़्यादा किया जाता है कोई भी काम मतलब पढ़ाने में, और लड़की है तो उसको प्रीफर किया जाता है कि आप हाउस का काम करें। मतलब उसको कहीं ना कहीं अपन कंपेयर करते हैं कि ये वॉइस से कम है, ऐसा नहीं करना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट हैज़ बी ग्रोन एन एवरेज एनुअल रेट 2% इन इंडिया ड्यूरिंग लास्ट 4 डिकेट्स सिंस 1972 एंड 1973। ड्यूरिंग द पास्ट डिकेट्स एम्प्लॉयमेंट सिस्टम है द ग्लोबली चेंजेस 1.5% पर एनम। डेवलपमेंट कंट्रीज है जो ग्रोथ रेट बेसिकली 2001 से 2008 जो डेवलपिंग कंट्री ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया है, वहाँ पे इकोनॉमिक एंड यूरोपियल वेरी लिटिल ग्रोथ इन एम्प्लॉयमेंट है। जो लेटिन अमेरिकन अफ्रीका है वहाँ पे 2.7%, जो इंडिया है वो मेजर कंट्रीब्यूट कर रही है। इंडिया जो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है जिसमें भी फास्टर ग्रोथ कर रहा है लेबर फोर्स, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ एंड डिक्लेरेशन हो रहा है, जो सेक्टर है उनमें GDP और जो शार्पली इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं, और जो बेसिकली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अनऑर्गेनाइज्ड है सेक्टर है, जो पुअर इनकम है उनको वर्क देना, जो लेबर क्लास है उनको लेबर क्लास अकॉर्डिंग वर्क लेना। इसमें रिसेंटली इनमें कैटेगरीज जो कॉन्ट्रैक्ट पे लेबर प्राइमरी सेक्टर है जैसे इकोनॉमी एक्टिविटी डेवलप करना, नेचर रिसोर्सेज एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी, सेकेंडरी के अंदर अपन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर फिजिकल प्रोडक्ट है जो गुड हो अपने, टर्शरी के अंदर जो अपने ITI स्किल्स है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है, टेलीफोनिक है, वो पब्लिक सेक्टर फाइनेंस इंप्रूव करें। शेड द बोर्ड सेक्टर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, इसके अंदर अपने देखे प्राइमरी के अंदर जो मतलब 1993-94 से प्राइमरी में 64% था, जो शेयर किया था 2004-57 इसमें प्राइमरी में कम मतलब ईयर वाइज डिक्लाइन हो रहा है, जिसे टर्शरी के अंदर अपने ईयर वाइज अपन इम्प्रूव कर रहे हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं इंडिया हैज़ द 40 बिलियन अनएम्प्लॉयड पीपल, इंडिया में जो 40 मिलियन है वो अनएम्प्लॉयड पीपल है। करंटली अनएम्प्लॉयड रेट इज़ 99.4 है, अनएम्प्लॉयड रेट है जो 10.3 है, जो रूरल के अंदर रूरल अर्बन एरिया में 1000 आइदर वर्किंग है, 300% आर द लेबर है, और जो इसके अंदर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन बढ़ाना इसमें ज़्यादा जोर दिया गया। ऑर्गेनाइजेशन जो सेटअप है अपना, उसमें जो सेक्टर है जो कैरी आउट द एक्टिविटी ऑफ द सिस्टम है, फॉलो द लॉ ऑफ द लैंड है, लेबर राइट गिवन अपने ड्यू रेस्पेक्ट है, वेक्स है, लेबर वर्किंग इन बेनिफिट्स एंड सोशल एक्टिविटी फॉर्म्स एंड गवर्नमेंट्स, अनऑर्गेनाइज है जैसे इसमें लॉ है, जो सिस्टम है, स्केल मैन्युफैक्चर करना है, इसमें अपने पता है ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इनकम के अंदर अपने आता है इंडिया पर कैपिटल इनकम नॉमिनी इज 1290 रैंक इन द 14 इन द वर्ल्ड। तो PCI गिवन जो फेयर आइडिया स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग है, इसमें कैलकुलेशन है, डिवाइडेशन है, नेशनल इनकम अमंग है जो कंट्री पॉपुलेशन है, जो पर कैपिटा इनकम है, जैसे दिल्ली, गोवा, हरियाणा, महाराष्ट्र आर द स्टेट द हाइएस्ट कैपिटा इनकम है। द टाउन एंड सिटी इज द मोर इंडियन GDP गिवन द थर्ड पॉपुलेशन ऑफ द दैम। 2001 में अपन को अचीव करना है जिसमें सेमिग्रेशन है, GDP का बढ़ाना है,
इसमें मेन वेरिएशन और इसमें जीडीपी है जो 58% टू टेक्सटाइल पे, इंडस्ट्री आए तो 30.12 रेस्पेक्टली करेंगे। इस टेबल में अपने को डिस्कस किया है 2004 से लेकर 2010 तक जो अपने ट्रेंड एंड होटल रेस्टोरेंट है, अपने कैसे इनकम बढ़ा सकते हैं, ट्रेंड है होस्ट होटल है, ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे, स्टोरेज के अंदर कम्युनिकेशन, फाइनेंस, इंश्योरेंस, रियल इस्टेट, बिजनेस, अपने जीडीपी को इम्प्रूव कर सकते हैं। एज स्ट्रक्चर द पॉपुलेशन कम द लार्ज इफेक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ है, स्पेशली वैन द शिफ्टिंग एज इज द लाइफ डेमोग्राफी प्रोफाइल है अपनी, उसको इन्वॉल्व करना, जो फेवरेट इनकम उनको ग्रोथ बढ़ाना, चेंजेस मोर्टिलिटी को कम करना, मोर्टिलिटी मॉर्बिडिटी टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। 1950 इंडिया हैज़ द वेरी यंग पॉपुलेशन, मे चाइल्ड इज द फ्यू एल्डरली, मूव फॉरवर्ड लाइक द वर्किंग एज है इसमें चाइल्ड है एल्डरली, द एज स्ट्रक्चर है 65 ईयर द 55%, द इंडिया मेल इज द 37 एंड हाफ ऑफ द मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन अकॉर्डिंग एज के ग्राफ अपन ग्राफ देंगे। इंडिया वर्सेज चाइना, चाइना पॉपुलेशन ग्रोथ इज ओनली 0.7% पर ईयर, इंडिया वॉज 1.6 बिलियन, विल सरप्राइज, चाइना विल सस्पेक्ट पॉपुलेशन साइज इन 2050। इंडिया जो है 66% हायर इनकम पर कैपिटा है चाइनीज इन 1980, चाइना वर्क टूवर्ड 208 के अंदर जो सिचुएशन है उसको रिवर्स करना, जी पर कैपिटा में चाइना से डबल डेट इंडिया, दिस इनकम जो क्रॉस है ड्यू टू मतलब डेमोग्राफिक डेटीज है, बिकॉज TFR है, एज है, नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन है, चाइना कैंपियन करता है लेट लॉन्गर फीवर, इसमें पॉपुलेशन बिगिन द डिक्लाइन करना, फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन करना, जो राइज है रेशो है इसमें वर्किंग एज है नॉन वर्किंग पॉपुलेशन कॉरेस्पॉन्डिंग है, जो एज है जो ग्रोथ को इम्प्रूव करना। इन द शॉर्ट चाइना फुल एडवर्टाइजमेंट डेमोग्राफिक मोर रिलायबल लेबर मार्केटिंग रेट ऑफ फीमेल लेबर फोकस पार्टिसिपेशन मोर हाईली एजुकेशन वुमेन लिटरेसी रेट बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मोर इंटरनल माइग्रेशन है मूव फॉरवर्ड है राइजिंग है एज है इसको इम्प्रूव करना। सो इंडिया इज अ 65 ओवर कंट्री रिप्रेजेंट 1/4 नंबर ऑफ एडोलसेंट एंड यंग इट विल बी नॉट ओवर टाइम फॉर डिकेट एंड 9 मिलियन पीपल फोकस ऑन द चाइना एंड एज वर्चुअली इज 90 एंड 30 शेयर ऑफ द इंडिया 50% पॉपुलेशन टूडे ओनली 60 इसमें जो 2050 तक अपने को जो एज है वो मतलब कवर करना है 33% दोज एज अपने इसको स्टैटिकली प्रजेंट कर रहे हैं। इस अपने को पॉलिसीज बनाना एजुकेशन ट्रेनिंग ऑफ द इंडिया यूथ है जो केसेज है जो कैरिंग ग्रोथ नंबर ऑफ द ओल्डर इंडियन इन द फ्यूचर के अंदर जो बिहेवियर है पॉलिसी रेस्पॉन्स पॉपुलेशन जो एजिंग है इंक्लूड हायर लेबर फोकस पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमेन इन द हायर सेविंग फॉर द रिटायरमेंट है मतलब लेटर एज में रिटायरमेंट है तो अपनी पॉपुलेशन अपनी एज है उसको मतलब एजिंग प्रोसेस विल नॉट नेसेसरी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ग्रोथ इम्प्रूवमेंट जो अपनी GDP है उसको इम्प्रूव करना। थैंक यू स्टूडेंट, अपन ने यहाँ डिस्कस किया कि डेमोग्राफी क्या होती है। डेमोग्राफी में अपन ने पढ़ा कि जो स्टडी ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन है न्यूमेरिकल डाटा है इसके अंदर साइज होता है पॉपुलेशन का कंपोजिशन होता है डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कंपोजिशन फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने साइज ऑफ पॉपुलेशन या तो ग्रोथ जो पॉपुलेशन की वो इंक्रीज है या डिक्रीज होगी। कंपोजिशन है उसमें जो एज ग्रुप है जैसे एल्डरली हुए एडोलसेंट हुए और जो जेंडर है और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कंट्री है स्टेट और इसको अपन डिस्ट्रीब्यूट किया। डेमोग्राफिक प्रोसेस के अंदर अपन ने फर्टिलिटी देखी मैरिज देखी मोर्टिलिटी माइग्रेशन सोशल मोबिलिटी सोशल मोर्टिलिटी अपन ने इसके जो प्रोसेस है वो अपन ने देखे। जो डेमोग्राफिक साइकिल के अंदर अपन ने देखा जो अपने CBR है और साइकिल ऑफ बर्थ रेट है और जो डेथ रेट है CBR के अंदर अपन देखा जो बर्थ रेट है उसमें नंबर ऑफ बर्थ इन कंट्री इन ईयर के अंदर कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं उसको अपन ने मतलब डिवाइड किया माइल्ड ईयर पॉपुलेशन उसको मल्टीप्लाई 100,000 फिर अपन ने इसमें जो उसमें डेथ रेट हो रही है उसको माइल्ड और उसको अपन ने देखा। फिर अपन ने डेमोग्राफिक साइकिल देखा डेमोग्राफिक साइकिल के अंदर अपन ने देखा कि इसमें एक बर्थ रेट है एक डेथ रेट है जो बर्थ रेट है वो अगर हाई डेमोग्राफिक ग्रुप है जैसे अपन बर्थ रेट अगर हाई है फर्स्ट स्टेज में देखते हैं और जो डेथ रेट है वो भी अगर हाई है जो पुअरली पहले अपने 1921 के अंदर जो इंडिया अफेक्टेड मेजर होता था उसमें मोर्टिलिटी बर्थ रेट बर्थ कंट्रोल कोई
कोई नहीं थे अपने पास, साधन नहीं थे, उस वजह से अपने इनको नैरो मतलब हाई रहती थी बर्थ डेथ रेट, जिसको डेमोग्राफी को अपन ने नैरो किया, इसको अपन बोलते हैं हाई स्टेशनरी स्टेज। सेकंड अपन ने देखा कि अर्ली एक्सपेक्टेंसी, अर्ली एक्सपेक्टेंसी मतलब जो बर्थ रेट है उसको अपन अनचेंज करते हैं, और जो डेथ रेट है उसको अगर अपन डिक्लाइन करते हैं तो अपन अर्ली एक्सपेक्टेंसी स्टेज में पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट अपन ने देखा इसमें लेट एक्सपेक्टेंसी स्टेज के अंदर जो डिक्लाइन है और जो डेथ रेट भी डिक्लाइन है, क्योंकि अपने हॉस्पिटल सुविधाएं होगी, बर्थ कंट्रोल, इस वजह से अपन लेट एक्सपेक्टेंसी बोलेंगे इसको। नेक्स्ट अपन देखते हैं लो स्टेशनरी, लो स्टेशनरी के अंदर वहाँ पे बर्थ रेट भी लो है, डेथ रेट भी लो है, क्योंकि हॉस्पिटल फैसिलिटी होगी, बर्थ कंट्रोल अपन करने लगे, जो डेमोग्राफिक ग्रुप है वो नैरो हो गया, इसको अपन लो स्टेशनरी बोलेंगे। डिक्लाइन के अंदर अगर बर्थ रेट भी लो है और डेथ रेट अगर डिक्लाइन करते हैं तो मतलब जो हायर डेवलप कंट्री है उसमें ये केसेस अपने को मिलते हैं। थैंक यू।